धौलपुर सदर थाना इलाके के गांव नेकपुर के दलित समाज के लोगों ने अजमेर सिंह हत्याकांड मामले में शहर के सुभाष पार्क में सभा कर पुलिस एवं प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। सुभाष पार्क से रैली निकालते हुए सिस्टम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। डीएम एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस और प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में नेकपुर गाँव के दलित समाज के लोगों ने बताया कि 17 दिसंबर 2021 को गांव के राजेश एवं रामनाथ अजमेर सिंह जाटव को डरा धमकाकर पेड़ की कटाई करने ले गए थे। ज्ञापन में बताया आरोपियों ने खेत पर जाकर शीशम के पेड़ के ऊपर नेकराम जाटव को टहनियों की कटाई करने के लिए चढ़ा दिया। नीचे से राजेश और रामनाथ ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। पेड़ की चोटी से रामनाथ नीचे जमीन पर गिर गया। गंभीर अवस्था में घायल हुए नेकराम को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन गंभीर चोट होने पर परिजन आगरा निजी अस्पताल में उपचार कराने ले गए। ज्ञापन के मुताबिक 18 दिसंबर 2021 को उपचार के दौरान नेकराम की मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय सदर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तत्कालीन समय पर मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम करा दिया था। दलित समाज के लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लंबा समय गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। आरोपी डरा धमका कर राजीनामा का दबाव बना रहे हैं। गाँव के अंदर आरोपी खुलेआम घूमते हैं। सोमवार को दलित समाज के लोगों ने लामबंद होकर स्वास्थ्य पार्क में बैठक का आयोजन किया। आक्रोश रैली निकालकर कलेक्टर एवं एसपी को ज्ञापन देकर मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी व 50 लाख के मुआवजे की मांग के साथ दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई नहीं की तो दलित समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद देता हूँ। घटना ये है कि 17/12/2021 की बात है। गाँव नेकपुर थाना सदर जिला धौलपुर में अजमेर सिंह जाटव की कुछ लोगों ने, गांव के ब्राह्मण समाज के लोगों ने, राजेश शर्मा, रामनाथ शर्मा, देव शर्मा, विजय शर्मा ने अपने घर धोखे से बुला करके उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में जिला प्रशासन से हमने कई बार मांग की, एसपी साहब से कई बार गुहार की कि दोषियों को सजा दिलाई जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। जिला कलेक्टर महोदय को भी हमने कहा कि आप उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, लेकिन आज दिनांक तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। मजबूर होकर के दिनांक 8/12/2022 को हमें 8 फरवरी 2022 को जिला कलेक्टर के सम्मुख धरने पर बैठने से कार्य धरने पर बैठना पड़ा था। लेकिन हमारी मांग है जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है हम धरने से नहीं उठेंगे, नहीं हटेंगे। गांव नेकपुर में हमारे जाटव समाज के अजमेर सिंह को शर्मा समाज के लोग, राज शर्मा अध्यापक, घर से बुला के ले गए। उनके साथ कई लोग थे और उन्हें घर जाकर उनका मर्डर कर दिया। उसी दिन से हमारे जाटव समाज में आक्रोश है और लगभग 7 दिन हो गए हमें धरना प्रदर्शन कलेक्ट्री के सामने बैठे हैं और आज हमारा जाटव समाज इकट्ठा हुआ है और ये आश्वास पार्क से एक रैली के रूप में आक्रोश लेते हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे राज्यपाल के नाम से। और ऐसी घटनाएं हमें बड़े दुख की बात है कि आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन आज भी वो स्थिति है कि जाटव समाज, दलित समाज, ऐसी समाज का शोषण अब भी हो रहा है। चाहे सरकार किसी की रही हो, लेकिन ST समाज पर शोषण होते रहते हैं। हम तो राज्यपाल जी से निवेदन करते हैं और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक ये संदेश जाए, ऐसी घटना हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम रूप सिंह है, जिला प्रवक्ता समता सैनिक दल धौलपुर। धौलपुर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए देवेंद्र कुलश्रेष्ठ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बिजेंद्र रावत से 17 मतों से विजय प्राप्त की है। जानकारी देते हुए सहायक निर्वाचन अधिकारी निशांत भार्गव ने बताया कि अभिभाषक संघ धौलपुर की नवीन कार्यकारिणी वर्ष 2022-23 के मतदान में 455 वकीलों में से 417 वकीलों ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें अध्यक्ष पद पर देवेंद्र कुलश्रेष्ठ को 214, बिजेंद्र रावत को 197 मत मिले और 4 मत निरस्त किए गए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अशोक कुमार अग्रवाल ने 210 मत, माहिर हसन रिजवी ने 119 मत एवं श्री गोविंद परमार ने 79 मत और 5 मत निरस्त किए गए, जिसमें 91 मतों से अशोक कुमार अग्रवाल विजयी रहे। उपाध्यक्ष पद पर श्वेता यादव ने 150 मत, रामदीन ने 143 व विजय शर्मा ने 119 मत प्राप्त किए और 2 मत निरस्त किए गए। इस प्रकार 7 मतों में से श्वेता यादव विजयी रही। कोषाध्यक्ष पद पर अमित मुदगल ने 155 मत, पूजा शर्मा ने
41 मत और इस्मत अग्रवाल ने 114 मत प्राप्त किए और 5 मत निरस्त किए गए। इस प्रकार 16 मतों से अमित मुदगल विजयी रहे। वहीं महासचिव पद पर सुबोध कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव पद पर अरविंद कुमार, पुस्तकालय सचिव पद पर वीरेंद्र कुमार त्यागी व ऑडिटर पद पर मनोज कुमार त्यागी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। कार्यकारिणी वर्ष 2022-23 के चुनाव परिणाम घोषित हुए। चुनाव परिणाम में अध्यक्ष पद पर श्री देवेंद्र कुशवाहा जी 17 वोटों से विजयी घोषित किए गए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर श्री अशोक कुमार अग्रवाल 91 वोटों से विजयी घोषित किए गए। उपाध्यक्ष पद पर श्री सुश्री श्वेता यादव जी 7 वोटों से विजयी घोषित किए गई। कोषाध्यक्ष पद पर श्री अमित मुदगल जी 16 मतों से विजयी घोषित किए गए। शेष 4 पदों पर पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका था। मैं धौलपुर अभिभाषक संघ की ओर से युवा वरिष्ठ अधिवक्तागण महिला अधिवक्तागण ने मुझे अध्यक्ष पद चुना है। मैं अब पूर्ण ईमानदारी के साथ इस पद पर रहते हुए कार्य करूंगा। उज्जवल भविष्य के बच्चों के लिए कोई कार्य करूंगा। अपनी लाइब्रेरी डिजिटल कराने का कार्य करूंगा। हाईकोर्ट से जो क्या है अपने अनुदान राशि जो हमको प्राप्त होनी है, बिल पड़ा हुआ है 2020 का विधानसभा है, उसे पास कराने की कोशिश करूंगा। हमारी जुडिशियल बिल्डिंग जो अधूरी पड़ी है उसे बनवाने की कोशिश करूंगा और अन्य व्यवस्था भी करूंगा। ये मेरा अपना वचन है। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आत्मघाती हमले में शहीद हुए देश के वीर सपूतों की शहादत को आज 3 वर्ष पूरे हो गए। इस आत्मघाती हमले में धौलपुर जिले के रायाखेड़ा उपखंड इलाके के गांव जैतपुर निवासी सैनिक भागीरथ ने भी शहादत दी थी। शहीद भागीरथ की शहादत को आज जिले भर में समाजसेवी एवं स्थानीय लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज सोमवार को देर शाम को धौलपुर शहर में बजरंग दल एवं युवाओं ने शहर की सब्जी मंडी स्थित शहीद स्मारक पर शहीद भागीरथ सहित अन्य वीर सपूतों की शहादत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहीद भागीरथ एवं अन्य शहीदों के बलिदान को याद कर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। युवाओं ने कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, देश की रक्षा के लिए हर सैनिक तैयार एवं तत्पर खड़ा है। पुलवामा हमला कायराना हमला हुआ था, देश की रक्षा के लिए भारत देश का हर युवा प्राण देने के लिए तैयार है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और युवाओं ने वीर सपूतों के चित्रों पर पुष्प अर्पित एवं कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। युवाओं ने भारत माता के जिंदाबाद के नारे लगाकर शहीदों को याद किया और सुमन अर्पित किए। आज धौलपुर शहीद पार्क में धौलपुर के सभी संगठनों ने आज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुलवामा हमले में जितने भी हमारे शहीद जवान शहीद हुए थे उन सभी के लिए आज सभी संगठन एकजुट होकर एक मंच पर आकर धौलपुर में श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुलवामा में जो कायराना हरकत हुई थी उसको लेकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि आज धौलपुर के सभी युवा साथियों ने अर्पित किया। जय हिंद वंदे मातरम। आज 14 फरवरी को हमने जो पुलवामा के अंदर सैनिकों के ऊपर जो आतंकी हमला हुआ था उसके उपलक्ष्य में एक सभा का आयोजन किया था। हमने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की है। वंदे मातरम। आज शहीद स्मारक पर पुलवामा शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे देश के उन वीर नौजवानों ने अपने जो प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, हमें उनका कर्ज चुकाना है। हम कर्ज चुका तो नहीं सकते लेकिन इस अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर तो सकते हैं। आप इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए आपकी भावनाएं होनी चाहिए। आज हम सभी युवा वर्ग के साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अपने वीर शहीदों को और मैं अपने वीर शहीदों को सत सत नमन करता हूं। जय हिंद वंदे मातरम। आज दिनांक 14 फरवरी 2022 को टीम वसुंधरा राजे युवा मोर्चा धौलपुर के पदाधिकारियों ने धौलपुर शहीद स्मारक पर शाम 5 बजे एकत्रित होकर 14 फरवरी 2019 को श्रीनगर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को आतंकियों द्वारा जो हमला किया गया था उसमें भारत माता के वीर जवानों ने अपनी जान भारत माता के लिए नौछावर की थी। उन सभी नौजवानों को आज टीम वसुंधरा राजे युवा मोर्चा धौलपुर के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर उन सभी जवानों को 2 मिनट का मौन धारण कर सभी ने भारत माता के घोष के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में सभी ने राष्ट्रगान गाकर भारत माता की जय व देश के वीर शहीदों के नारे लगाकर शहीद स्मारक पर कैंडल लगाई। कार्यक्रम में उपस्थित जिला अध्यक्ष विश्वजीत राणा, जिला महामंत्री एडवोकेट राजू गुर्जर, जिला मंत्री पंडित हर्ष उपाध्याय, पंडित रजत जनसंगी, दिव्यांश बंसल, इमदाद हुसैन आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश में आयोजित की गई रीट परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर कल दिनांक 15/2/2022 मंगलवार को हजारों की संख्या में धौलपुर से जयपुर जाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस विधानसभा घेराव में जिले भर से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जयपुर के लिए कूच करेंगे। पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद शर्मा ने कहा कि रीट धांधली का मुद्दा छात्र छात्राओं के जीवन से जुड़ा हुआ है। कठोर मेहनत करके तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के भविष्य से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा ने कहा कि राजस्थान में होने वाली परीक्षाएं कांग्रेस सरकार की मनमानी के कारण घोटालों की भेंट चढ़ रहा है, जो छात्र छात्राओं के भविष्य को अंधेरे में ढकेल रहा है। पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने कहा कि लाखों छात्र छात्राओं भविष्य से गहलोत सरकार खिलवाड़ कर रही है। छात्र किसान मजदूर महिला व्यवसायी विरोधी कांग्रेस की गहलोत सरकार को जनता सबक सिखाएगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक व भाजपा जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया ने बताया कि प्रदेश की गहलोत सरकार के द्वारा 26 लाख अभ्यर्थियों के साथ पेपर लीक कर जो खिलवाड़ किया है, साथ ही परीक्षा को लेकर रोजाना नए खुलासे भी हो रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार युवाओं के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। भाजपा वरिष्ठ नेता प्रशांत सिंह परमार ने कहा कि भाजपा इस आंदोलन द्वारा कांग्रेस की गहलोत सरकार की पोल खोलेगी। इस डर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा नेता पर हमले तक करवाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिपाही इससे डरने वाले नहीं है। भाजयू में जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गुरैया ने कहा कि इस विधानसभा घेराव को लेकर भाजपा सरकार के 19 मंडलों से प्रत्येक मंडल से 100 कार्यकर्ताओं की टीम जयपुर पहुंचेगी। साथ ही जिला अध्यक्ष ने बताया कि धौलपुर से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को जयपुर जाकर जन आंदोलन को सफल बनाने का भी आग्रह किया है। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अनुशासित रूप से धौलपुर से जयपुर के लिए कूच करेंगे। बैठक में सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज शर्मा, जयवीर पोसवाल, मुकेश सक्सेना, नंद किशोर शुक्ला, मोहन वर्मा, रणवीर सिंह गुर्जर, महेंद्र दुबे, मुकेश राणा, सोनू त्रिवेदी, ऋतिक वर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान द्वारा विधानसभा का घेराव किया जा रहा है और धौलपुर से भी उसमें सहभागिता देने के लिए आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा जी के नेतृत्व में हम हजारों की संख्या में कार्यकर्ता धौलपुर से रवाना होंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के धौलपुर जिले में 19 मंडल हैं और हमने प्रत्येक मंडल को 100 कार्यकर्ताओं को जयपुर ले जाने का टारगेट दिया है और निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता अपने निजी वाहन से जयपुर इस धरने और घेराव में जाएगा, क्योंकि ये विषय राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो छात्र और छात्राओं के जीवन से जुड़ा हुआ है। और रीट में जो बहुत बड़े स्तर पर जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच हो और जे जिन छात्र छात्राओं का जो भविष्य अंधकार में हो रहा है और अंधकार में से निकालने के लिए सीबीआई जांच हो और जो दोषी हैं उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशव्यापी इस आंदोलन में धौलपुर से बहुत संख्या में जयपुर पहुँच करके कार्यकर्ता अपनी सहभागिता देंगे। जय हिंद, जय भारत। जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में विगत 1 जनवरी से अब तक कुल 28,516 सैंपल लिए गए हैं। आज प्राप्त 569 सैंपल की रिपोर्ट में से धौलपुर जिले में कुल 18 पॉजिटिव केस आए हैं। जिले के कुल पॉजिटिव केसेज की संख्या 2,651 है, जिनमें से 2,499 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वर्तमान में कुल 151 एक्टिव केस हैं।